हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। 8 मार्च 2024 अभी हम लोग हैं सोलांग वैली के अंदर। सोलांग वैली तक आप कोई भी नॉर्मल गाड़ी लेके आ सकते हैं, किसी भी तरह की 4x4 गाड़ी की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप सोलांग वैली आ रहे हैं, यहाँ पे सारी की सारी स्नो एक्टिविटीज आप कर सकते हैं और बहुत फ्रेश स्नो, बहुत सारी स्नो आपको सोलांग वैली में मिल जाएगी। अभी सोलांग वैली से आगे किसी भी तरह के व्हीकल को, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर 4x4 हो, अटल टनल शिशु के लिए नहीं छोड़ा जा रहा। तो ये पूरा वीडियो आप देखना और बहुत सारी सोलांग वैली मनाली से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो ये अभी हम लोग सोलांग वैली के बैरियर के पास खड़े हैं और यहाँ से आगे के रोड अभी क्लीन करने शुरू कर दिए हैं। अभी टूरिस्ट के लिए ये रोड बंद रहेंगे कुछ दिनों के लिए, केवल अभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो उन सब के लिए, लोकल के लिए ये रोड खुले हैं या फिर कोई गवर्नमेंट की सप्लाई आगे जानी है। बाकी ये रोड अभी बंद है। 4x4 से भी अभी आप अटल टनल और शिशु नहीं जा सकते। हो सकता है मंडे के बाद ये रोड ओपन कर दिए जाए, और अभी बीच में एवलांचे का भी यहाँ पे खतरा रहता है, तो उस वजह से अभी सेफ नहीं है टूरिस्ट के लिए जाना यहाँ। तो ये केवल ट्रक वगैरह चले हैं और ये यहाँ का बैरियर हो गया। यहाँ से आगे जो है व्हीकल्स को रोक दिया जाता है। 4x4 से भी आप अभी आगे नहीं जा सकते, तो 4x4 अभी बुक करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि सोलांग वैली तक आप नॉर्मल व्हीकल से आ सकते हैं। और अभी हम लोग एक्टिविटी ग्राउंड की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी चली है। ये देखिए अभी चाय मैगी के लिए स्टाले यहाँ पे चालू हो चुकी है। अभी बर्फ काफी ज्यादा है यहाँ पे सोलांग वैली के एक्टिविटी ग्राउंड में, और ये बर्फ अभी फ्रेश है कि नहीं देखते हैं। ये यहाँ से ये थोड़ी सी हार्ड है और इसके नीचे हाथ डालेंगे आप तो नीचे से बिल्कुल पाउडर्ड स्नो आपको मिल जाएगी। तो अभी हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं एक्टिविटी ग्राउंड में, देखते हैं अभी क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। ये बहुत सारी जोर्बिंग बॉल देख सकते हैं आप, यहाँ इनके अंदर बैठ के ऊपर से आप लोग स्लाइड करते हुए फिसलते हुए आते हैं गुलाटियां मारते हुए। उसके बाद ये स्किडू है, काफी अलग लेवल का एडवेंचर है इसका भी। उसके बाद ये रोपवे है जो ऊपर को जाते हैं, काफी अच्छा व्यू आता है। अभी रोपवे स्टार्ट नहीं हुई है, टूरिस्ट कम पहुंचे हैं अभी। और ये देखिए गाइड है ना आप तो? हाँ जी सर। और ये भाई है यहाँ पे स्कीइंग कराते हैं, स्कीइंग कराते हैं, बॉल कराते हैं, टायर कराते हैं, राइड कराते हैं, बाइक कराते हैं। प्राइजेस भी बता दीजिए। प्राइस इसका भैया 1000 रुपीज दो लोगों का। ये जोर्बिंग बॉल है जिसका 1000 रहता है कपल का चार्ज टोटल। इसकी का 500 रुपये, उसमें टाइमिंग आप का होगा कितनी देर चलाना है कितनी देर नहीं चलाना है। बाइक का राइड होता है 1000 में दो लोग जाते हैं, उसमें खाली राइड ही होता है। एक बाइक है जो उसमें सेल्फ ड्राइव मिलता है, उसका भी 1000, उसमें भी दो लोग जाते हैं, चला के चलाना मिलता है उसमें, चला के भी आते हैं। चलो थैंक यू भाई, इतनी जानकारी दी आपने टूरिस्ट के लिए। और अभी इंतज़ार हो रहा है टूरिस्ट का, अभी कुछ देर में टूरिस्ट पहुंच जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे लेंगे बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ का मज़ा। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में जो यहाँ के गाइड थे उनके प्राइजेस के बारे में बताया। यहाँ पे अभी ये ATV आप देख सकते हैं, ATV राइड यहाँ पे कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं अनलिमिटेड। उसके अलावा यहाँ पे याक राइड कर सकते हैं, ट्यूब स्लाइड कर सकते हैं, रोपवे कर सकते हैं और पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आप सोलांग वैली में कर सकते हैं। और अभी टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे फोटोग्राफर रहते हैं बहुत सारे
जो आपकी फोटोज भी साथ ही साथ यहाँ पे क्लिक करके सॉफ्ट कॉपी देते हैं। और ये ग्राउंड बहुत अच्छा है यहाँ पे स्कीइंग के लिए। और ये देख सकते वीडियो में कुछ लोग अभी स्कीइंग का मजा यहाँ पे ले रहे हैं। तो बहुत अच्छा है अभी सोलांग वैली आना, आप लोग जरूर से आइए। तो अभी हम लोग सोलांग वैली से नीचे की ओर चलते हैं और देखते हैं अभी यहाँ से रोड कंडीशंस कैसी है, कहाँ पे स्नो मिलती है, कहाँ तक नॉर्मल व्हीकल से आप आ सकते हैं। तो ये सारा का सारा इस वीडियो में आपको पता चलेगा। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बहुत यूजफुल आपके लिए ये वीडियो होगा। ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये जो गेट है, यहाँ से अंजनी महादेव के रास्ते जाते हैं। और आप लोग यहाँ से पैदल या फिर खच्चर घोड़े लेके एटीवी बाइक से आप लोग जा सकते हैं। तो काफी ज्यादा अभी सोलांग वैली में 1.5 से 2 फीट के आसपास स्नो है। तो आप अगर अंजनी महादेव जाते हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितनी स्नो मिलने वाली है आपको यहाँ पे। अभी हम लोग ये पहुंचे हैं, फिर यहाँ पे ये पार्किंग है अंजनी महादेव और सोलांग वैली की। और यहां से आप लोग लेफ्ट में गाड़ी लेके यहां से गाड़ी आपकी पार्क हो जाएगी। और ये अभी रोड को चौड़ा किया जा रहा है यहां से बर्फ को हटा के इस मशीन की हेल्प से। यहाँ पे भी बहुत सारे काउंटर्स है एक्टिविटी के, बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे होती है। यहाँ पे रॉकेट बंजी आप कर सकते हैं, जिप लाइन होती है यहाँ पे काफी लंबी। और अभी गाड़ी को करते हैं हम थोड़ा थोड़ा करके बैक। तो ये अभी काफी ज्यादा तंग है रास्ते यहाँ से, और इनको अभी खोला जा रहा है ताकि आपको यहाँ तक आने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, ट्रैफिक जैम ज्यादा ना लगे। इसके लिए अभी इन रोड को चौड़ा किया जा रहा है ये बर्फ हटा के। और काफी टूरिस्ट अभी चले हैं यहाँ पे एक्टिविटीज का मजा लेने। तो ये अभी बहुत सारी गाड़ियां जो है पहुंच रही है यहाँ पे। और आगे अभी आपने पीछे वाली क्लिप में देखा था रोड जो है चौड़े किए जा रहे हैं स्नो हटा के, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जाम लग रहा है। अभी ये 5-10 मिनट में वो रोड चौड़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद ज़्यादा समस्या ट्रैफिक जैम की नहीं आएगी। और ये जैम मैंने भी लगवा दिया यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके बीच में क्लिप बनाने के लिए। तो चलो ये गाड़ी रुक गई है। ये डिफेंडर भी थी जो सोलांग वैली से आगे जाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन इनको आगे नहीं जाने दिया गया। तो अभी किसी भी तरह के टूरिस्ट के लिए जो है सोलांग वैली से आगे के रास्ते ओपन नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्नो अभी है। तो अभी ये सोलांग वैली से नीचे की ओर हम जा रहे हैं मनाली की साइड में। और अभी यहाँ पे सोलांग वैली से नीचे काफ़ी ज़्यादा स्नो है रोड के दोनों ओर। और यहाँ तक आने के लिए आपको 4x4 गाड़ी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत है नहीं। और 4x4 बुक कर भी ली तो सोलांग से आगे तो ऐसे ही नहीं जा पाएंगे आप। तो अभी नॉर्मल गाड़ी बुक करिए और सोलांग तक घूमने के लिए आइए। और बहुत सुंदर अभी नज़ारे हैं सोलांग वैली के, देख सकते हैं जितनी भी माउंटेन्स है ये सारी की सारी स्नो से कवर है। अभी बहुत अच्छी स्नो है अभी यहाँ पे। और अभी यहाँ पे सोलांग वैली जाते हुए जो ब्रिज आता है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जाम अभी लगना चालू हो गया है। काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हैं, आज फ्राइडे है और रोड से बर्फ हटाई जा रही है, उस वजह से ये ट्रैफिक लग रहा है थोड़ा थोड़ा। और कल सैटरडे है, कल और ज़्यादा ट्रैफिक होगा। और ये देखिए भी साइड का व्यू देखिए, काफ़ी सुंदर से नज़ारे हो गए हैं इधर के अभी। और अभी हम लोग पलचान से थोड़ा सा नीचे चले हैं, यहाँ पे काउंटर्स है कुछ जिप लाइन के, जिप लाइन आप यहाँ पे भी कर सकते हैं और सोलांग वैली में भी कर सकते हैं। दोनों की लेंथ काफ़ी अच्छी है, ये पूरी की पूरी रिवर क्रॉस करके आप लोग जाते हैं नीचे। यहाँ पे रोड के दोनों साइड में बर्फ है लेकिन रोड पूरे के पूरे क्लीन है, 2 से 3 गाड़ियाँ एक साथ यहाँ से पास हो सकती है। और जब सुबह हम लोग यहाँ से गए थे 8:15-8:30 के करीब यहाँ से निकले थे, तो उस टाइम पे बीच में कुछ पैचेस पे ब्लैक स्नो जम रही थी,
ये अभी जो मोड आएगा, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो अभी ब्लैक आपको दिख रहा है, ये पानी पड़ा हुआ है हल्का हल्का, अभी ये पिघलना चालू हो गया है। यहाँ पे सुबह के टाइम जब अर्ली मॉर्निंग आते हैं तो उस टाइम पे होती है ब्लैक स्नो, तो उस टाइम पे थोड़ा सा रिस्की होता है। और ये भी साइड का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर ये अभी दिख रहा है मनाली। और ये वो जगह है जहाँ पे कुछ दिन पहले एवलांच आया था, ये ऊपर से काफी बर्फ आ गई थी जिससे 2-3 गाड़ियों का नुकसान हुआ था। और ये अभी रोड क्लीन हो गए हैं तो अभी किसी तरह की दिक्कत यहाँ पे नहीं है, आप लोग बड़े मजे से आ सकते हैं सोलांग वैली तक। और यहाँ के नज़ारे तो बहुत ही सुंदर अभी नज़ारे यहाँ के हो चुके हैं। और सामने दिए देखिए, जिस तरफ भी आप जिस भी विंडो से देखोगे बहुत अच्छी स्नो ही स्नो आपको दिखेगी। और ये अभी हम लोग पहुंचे हैं नेहरू कुंड, यहाँ पे ये प्राचीन हनुमान मंदिर भी है और ये नेहरू कुंड और मारुति कुंड भी इसको बोला जाता है। तो अभी हम लोग मनाली के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारी ड्रेस की दुकानें हैं जहाँ से आप विंटर ड्रेस ले सकते हैं। तो ये है अभी शॉप नंबर 102, ओवरकोट सेट 200 रुपए का, डांगरी सेट 250 रुपए की। यहाँ पे जो ये ड्रेस है किसी भी दुकान पे आप रुकते हैं तो सभी का प्राइस फिक्स होता है। और ये जो भैया है इनसे जानते हैं अभी इसके बारे में। भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी भैया, जैसे यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं तो टूरिस्ट को क्या सलाह दोगे, क्या दुकानों का प्राइसेस अलग रहता है कि सभी का सेम है? नहीं सर, सभी का सेम रहता है। नियर अबाउट 300 दुकानें रहेंगी, सभी का प्राइस सेम रहता है, 250 रहता है। ड्रेस और शूज दोनों साथ में आ जाता है। ठीक है, जूते और ड्रेस दोनों इंक्लूड रहती है? हाँ जी, जूते और ड्रेस इंक्लूड रहता है, दोनों चीज रहता है। और उसके अलावा जैसे ग्लव्स वगैरह, सॉक्स वगैरह, कुछ ग्लव्स, गॉगल, कैप, ये चीजें अलग से रहती हैं। बाकी ये आप रेट लिस्ट भी देख सकते हैं, रेट लिस्ट लगा हुआ है, गवर्नमेंट के अंदर है, टूरिज्म प्राइस है, ये देखो लगा हुआ है। ये है इनके जो गवर्नमेंट के टूरिज्म के रेट्स है, ओवरकोट सेट 200, डांगरी सेट 250 रुपए, ये पहले भी मैंने दिखाया था। तो आप लोग जब सोलांग वैली जाते हैं, ड्रेस तो आपको वहाँ भी मिल जाती है लेकिन वहाँ पे ज्यादातर गिल्ली होती है, यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर वॉश करके यहाँ पे ये सुखाई होती है। तो आपको अच्छी ड्रेस चाहिए तो आप रास्ते में किसी भी दुकान से अच्छी ड्रेस देख के जो है रुक सकते हैं, वहाँ से ड्रेस आप ले सकते हैं। और ये वो पैचेज है जो जुलाई की बाढ़ में टूटे थे, इन पे भी अभी काम चालू हो गया है। ये देखिए इधर, ये यहाँ पे मशीनें लगी है, काम चालू हो गया है तो कुछ दिन में ये 4 लेन हो जाएगा। अभी जो सोलांग वैली जाते हुए ट्रैफिक लगता है वो इसी वजह से लगता है कि यहाँ पे रोड कई जगह से सिंगल है, वन वे है। और अभी काफी सारी लेबर यहाँ पे लगी हुई है, अभी हमारी गाड़ी निकलेगी, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए काफी अभी लेबर लगी हुई है इधर जो रोड को चौड़ा करने का काम कर रहे हैं। तो ये अभी हम मनाली से लगभग 7 से 8 घंटे की जर्नी करके पहुंच चुके हैं अभी जीरकपुर में, जीरकपुर जो कि मोहाली एयरपोर्ट के बिल्कुल पास पड़ता है। तो यहाँ पे ये रूम है जिसके अंदर मैं आज स्टे करूँगा और ये होटल हमारे फ्रेंड का है अजय गोयल जी, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 9988775143। तो उनसे आप यहाँ की बुकिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट के आसपास, जो एयरपोर्ट मोहाली में पड़ता है चंडीगढ़ का, तो उसके आसपास अगर होटल देख रहे हैं तो इसको जरूर बुक कर सकते हैं। मनाली से चंडीगढ़ के रास्ते में किसी तरह की भी अभी दिक्कत नहीं है, मनाली का प्लान बनाया जा सकता है और बहुत अच्छी स्नो आपको मनाली के अंदर मिल जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मनाली की वीडियोस को यूं ही प्यार चैनल को देते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि मनाली की अपडेट्स टाइम टू टाइम हम आपके लिए लेके आएँ और मनाली टूर प्लान करना आपके लिए बहुत इजी हो जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के अंदर।